भाइयों ये 1931 की लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि किस किस की देश में रियासतें थी। जो भी क्षत्रिय विरोधी लोग क्षत्रियों पर गलत टिप्पणी करते हैं वो आंख खोलकर देख लें कि आज भारत में झूठा इतिहास बताया जा रहा है, एडिटिंग करके कुछ भी लिख दिया जा रहा है। ये देखिए हमने 1961 की लिस्ट डाली है। तो भाइयों इसमें सबसे बड़ी रियासत जो थी वो महाराजा हरि सिंह की रियासत थी जो कि डोगरा राजपूत की थी। स्टार्टिंग में देख लिए यही पांच रियासतें सबसे बड़ी थी, हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा और इसके बाद जम्मू कश्मीर, ग्वालियर और सिक्किम वगैरह जो भूटान। उसमें तीन रियासतें बड़ी राजपूतों की थी जिसमें सबसे बड़ी रियासत थी राजपूतों की जम्मू कश्मीर की, जिसके महाराजा हरि सिंह थे, डोगरा राजपूत थे, खुद देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद मैसूर वो भी राजपूतों की रियासत थी, ठीक है। उसके बाद चलिए राजपूताना जिसमें आधा मध्य प्रदेश और आधा राजस्थान आता था। उसमें सबसे ज़्यादा रियासतें राजपूतों की थी, सबसे बड़ी रियासत थी उसमें जोधपुर, जो खुद देखिए उदयपुर राजपूतों की, जयपुर राजपूतों की, जोधपुर राजपूतों की, बूंदी राजपूतों की, बीकानेर राजपूतों की, किशनगढ़ राजपूतों का, हाडा चौहानों की भी रियासतें हैं लेकिन इतिहास चोरों की नहीं दिख रही। इसके बाद किशनगढ़ राजपूतों की, करौली भी राजपूतों की, इसके बाद भरतपुर ये किसान लोगों की है, दो रियासत किसानों की है, बाकी सारी अलवर भी राजपूतों का, जैसलमेर भी राजपूतों की, डूंगरपुर भी राजपूतों की, प्रतापगढ़ भी राजपूतों की, सिरोही भी चौहान राजपूतों की, झालावाड़ भी राजपूतों की, शाहपुर भी राजपूतों की। तो भाइयों आगे देखिए जो कि वेस्टर्न इंडिया में, मतलब कि जो वेस्टर्न इंडिया है जिसमें मुंबई, गुजरात वगैरह आता है, ये देखते हैं कि गुजरात में इतिहास चोरों की कितनी रियासतें हैं और राजपूतों की, ये सच सबके सामने लाना ज़रूरी है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कश, जडेजा राजपूत, चंद्रवंशी, आगे जूनागढ़, इसमें भी पहले राजपूतों का राज था लेकिन इसमें पठान आ गए बाद में, नवागढ़ जहाँ भी जडेजा राजपूत, भवनगर गोहिल राजपूत, इसके बाद पोरबंदर जहाँ भी जेठवा राजपूत, इसके बाद आगे जाला राजपूतों की, फिर इसके बाद फिर से मोरबी जडेजा राजपूतों की, गोंडल भी जडेजा राजपूतों की, फिर इसके बाद फिर से वांकर जाला राजपूत आ गए, इसके बाद आगे गोहिल राजपूत, फिर से जडेजा आ गए, फिर से जाला आ गए, जडेजा आ गए, जाला आ गए, तो सभी रियासतें जे राजपूतों की दिख रही है। तो भाइयों आगे चलिए, आगे आप जाओगे तो असम में भी जो मणिपुर है ये भी राजपूतों की रियासत थी, ठीक है। तो आगे चलिए आप आगे जो मध्य प्रदेश वाली साइड चलिए, रीवा वगैरह राजपूतों की, ये भी सोलंकी की शाखा है। इसके बाद ओरछा, बुंदेला, सिर्फ बुंदेला आगे, आगे पवार, ये भी पवार राजपूतों से ही निकले हैं, बाद में अलग हो गए। इसके बाद भी बड़ गुजर, जे राघव राजपूत होते हैं, राजपूत ही हैं जे। इसके बाद आगे राठौर राजपूत, बुंडीला राजपूत, इसके बाद फिर से बुंडीला राजपूत, फिर इसके बाद राठौर राजपूत, इसके बाद फिर से राजपूतों की, इसके बाद प्रतिहार राजपूतों की भी आपको मिल जाएगी जो मिहिर भोज के वंशज हैं, नागौद रियासत। इसके बाद कशवाहा राजपूतों की, राठौर, सिसोदिया राठौर, खिची जो कि चौहानों की शाखा है जिसमें दिग्विजय सिंह इन्हीं के वंशज हैं। तो आगे आप चलिए, आगे आप आइए पटना, बिहार और उड़ीसा की, पटना भी चौहान राजपूतों की रियासत, आगे फिर से राजपूतों की, उड़ीसा में सभी रियासतें राजपूतों की, चौहानों की, फिर इसमें एक उसकी भी थी बुंदेला राय बघेला राजपूतों की भी थी, इसमें सभी का मेंशन नहीं किया। फिर से आप बंगाल में चलिए, वहाँ भी राजपूतों की, मतलब कि फिर आगे चलिए पंजाब में बुशाहर, हिमाचल बाद में बड़ा, पहले जो पंजाब में ही आता था, बुशाहर ये भी बाटी राजपूतों की है राजपूत। इदार ये भी मध्य प्रदेश में बॉम्बे में इसको कन्वर्ट किया गया, ये भी राठौर, फिर इसके बाद गोहिल, चौहान, राजपूत, बॉम्बे की सभी रियासतें भी राजपूतों की, लास्ट तक परमार राजपूतों की रियासतें, इसको बॉम्बे में उन्होंने जोड़ा है।
तो भाइयों इसके बाद हैदर, तो यही रियासतें हैं अभी आपके सामने पेश है, ये बड़ी बड़ी रियासतें हैं। ऐसे तो बहुत सारी रियासतें हैं, 562 में से 520 रियासतें। तो भाइयों तकरीबन आप मिला सकते हो कि भारत का 90% इतिहास, 99% इतिहास राजपूतों का है। 99% रियासतें आपने देख ली कि तकरीबन 95% से ज़्यादा रियासतें क्षत्रियों की है। फिर भी कुछ लोग क्षत्रियों का अपमान करते हैं जिनकी कोई रियासत नहीं है। आज आप उनके मुंह पर तमाचा मारो ये वीडियो उनको दिखाकर कि कौन सी रियासत है जहां तो कोई दिख ही नहीं रही, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की है उस वक्त की। आज फेसबुक पर कुछ भी लिख देते हैं तो रियासत राजपूतों की ही रही है, जो बाकी थोड़ी सी हैं वो भी क्षत्रियों ने ही दान दी है। सभी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।